और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे ज़्यादा राज्य में सरकार हमारी है, और जिनको कमजोरी है वो इस प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने सहयोगी जो दल हमारे वर्तमान में है, हम लोग अब पूरी मजबूती से पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये विपक्ष को पता है, और इसलिए विपक्ष भ्रमित है और वो केवल अफवाहों के आधार पर और केवल झूठी जो घोषणाएं हैं उनके आधार पर, जातिवाद और समुदायवाद के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सफल नहीं हुए। हार का जो पिछला रिकॉर्ड है उनका और खराब है। प्रियंका गांधी को बार बार डिटेन किया जाता है, तो क्या ये सपा को कमजोर किया जा रहा है, कांग्रेस को उठा रहा है, कौन डिटेन कर रहा है, पुलिस कर रही है? नहीं, देखो ऐसा है, जो दुखद घटनाएं होती हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो दुखद घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं। पहले तो पूरे 4.5 साल तक घरों में बंद रहे या विदेशों की यात्रा करते रहे, अब वो राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकले हैं, और राजनीतिक पर्यटन यात्रा में निकलने के बाद वो अवसर देखते हैं कोई दुखद घटना घट जाए दुर्भाग्य से, और उसको उस घटना के साथ होने के बजाय उसका दुष्प्रचार करके उसका एक राजनीतिक लाभ उठाने की जो परंपरा पड़ने लगी है विपक्ष की, मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। दुखद घटनाओं के समय लोगों को उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आज विपक्ष निराश हताश इसलिए है कि विकास कार्यों में किसी का के पास कोई जवाब नहीं है। अभी मैं हमीरपुर आ रहा था, पहले भी आता रहा हूँ, स्वामी ब्रह्मानंद जी का अभी खड़े हमारे पास, गंगाचरण जी और यहाँ के लोग उमाकांत जी वगैरह, उसमें हम लोग आए थे, सड़क पे आने पे हमको 3 घंटे से ऊपर लगा था, केवल 2.5-3 घंटे लगा था हमीरपुर से और राठ आने में। आज 4th गियर पे गाड़ी चलते हुए एकदम सन्नाटे से आई है, सर, लेकिन हर घर नल हो रहा है, बहुत खराब आज यहाँ पर, हर घर नल के साथ साथ यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, सर, राजनगर की जलालपुर रोड बहुत खराब है, यहाँ पे एक्सप्रेसवे बनने के बाद सर व्यवस्था, भाई शांत रहिए सर, राजनगर की जलालपुर बहुत खराब है, गड्ढा ही व्यवस्था जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनने के बाद पूरे बुंदेलखंड की व्यवस्था बदलने वाली है। इनकी आर्थिक व्यवस्था को हम लोगों ने जोड़ा है, इनकी सामाजिक व्यवस्थाओं को हमने जोड़ा है, घर घर गैस का कनेक्शन हो, घर घर बिजली का कनेक्शन हो, घर घर के आसपास शौचालय का निर्माण हो, सरकार की योजनाएं आज, अच्छी शिक्षा हो, ये सब कुछ बुंदेलखंड में हो। हम लोगों ने आईटी इलेक्ट्रॉनिक की पॉलिसी भी जो बनाई है, उसमें जो हब है हमारा बुंदेल वहाँ पर नोएडा और गौतम बुद्ध की तरफ से, उसके बाद अगर कोई बुंदेलखंड में लगाना चाहता है तो उसको हम विशेष छूट देने वाले हैं। इस प्रकार की योजनाओं से हमारा बुंदेलखंड का जो नागरिक है, नौजवान है, बाहर भटकते हुए अब दिखाई नहीं पड़ने वाला है। अब सारी चीज़ें हम यही उपलब्ध कर रहे हैं, बिजली की व्यवस्था हमने सुधारी है, हर चीज़ में सुधार हुआ है, तो यही आज पूज्य ब्रह्मानंद जी का हम लोग श्रद्धांजलि देने के बाद आज यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेता थे श्री रज्जू भदौलिया जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे हमारे, उनका अचानक देहावसान हो गया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आए हैं, और अभी कुछ यहाँ के जिला प्रशासन के साथ भी बैठक है मेरी, तो मैं ये इतना ही कहूँगा कि समय के साथ बुंदेलखंड का जो विकास भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जैसे पिछले चुनाव में सफाया हुआ था, अब की और बुरी तरीके से विपक्ष का सफाया हुआ। वैसी की एंट्री कितनी फायदेमंद है भाजपा के लिए? देखिए, हम किसी की एंट्री फायदेमंद और नुकसान, ये जिनका होगा आपस में विपक्ष का होगा, सर डबल इंजन की फायदा और नुकसान के लिए काम नहीं करता सर, डबल इंजन की मांग रही है सर, अधिक बड़े बहुत से मिलेगी